क्लास टू ईवीएस चैप्टर नंबर फोर आवर क्लॉथ्स। हमको इसमें कपड़े के बारे में पढ़ना है। चारू इज लुकिंग स्मार्ट, सी इज वियरिंग ए ब्यूटिफुल ड्रेस, सी इज गोइंग टू ए पार्टी। चारू वियर्स क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सीजन। चारू है जो वो देखने में बहुत ही स्मार्ट लग रही है। सी इज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वो बहुत ही अच्छा ड्रेस पहनी हुई है और वो एक पार्टी में जा रही है। और चारू ने जो कपड़ा पहना है, इसने जो कपड़ा पहना है वो वेदर और सीजन के अनुसार पहना है, मौसम के अनुसार पहना है। ठीक है, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेम्बर, We wear cloth to cover our body। जो क्लॉथ होता है, जो कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी को ढकते हैं ना, वो हम लोग के बॉडी को ढकते हैं। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। क्लॉथ जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से और विंड से। ठीक है ना, कपड़े हम पहनते हैं तभी ना हमको ठंडे गर्मी नहीं लगते हैं, रेन में हम भीग नहीं सकते। इस तरह के हर मौसम के लिए अलग अलग कपड़े बने हुए हैं। क्लॉथ ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। क्लॉथ जो है हमको डस्ट और डर्ट से भी प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। ठीक है, इन सर्कल द क्लॉथ वॉर्म बाई पीपुल अराउंड यू। आप अपने आस पड़ोस देखते होंगे जैसे कपड़े, उसको है ना, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े के वैरायटी दिए हुए हैं और जो आप आस पड़ोस देखते हैं वैसे कपड़े में आपको सर्कल करना है। ठीक है ना, जैसे पैंट्स देखते हैं, ट्राउजर, कोट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज, फ्रॉक, स्कर्ट, वेस्ट, सलवार, कमीज, दुपट्टा, लहंगा, चुंदरी। आप जिस तरह का देखते हैं आस पड़ोस की पैंट पहनता है लोग, ट्राउजर पहनता है कि कोट पहन के घूमता है, तो उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें। We wear different kinds of cloth in different season। हम लोग different kinds of cloth पहनते हैं different season में, यानी हर एक season के लिए एक cloth होता है। जैसे कि गर्मी के लिए हम कॉटन क्लॉथ पहने, उलेन क्लॉथ हम जाड़ा में पहने, रेनी सीजन में हम रेनकोट पहन के निकलते हैं कि हम भींगे नहीं। इस तरह हर मौसम के लिए अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं सीजन के अनुसार। चलिए हम पढ़ते हैं। इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ, दीज क्लॉथ कीप अस कूल इन हॉट समर सीजन, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। देखिए इसमें बता रहा है कि समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं जो हमको समर सीजन में यानी गर्मी के मौसम में हमको क्या रखता है, कूल रखता है ना। जितनी गर्मी पड़ती है उससे हमको गर्मी से निजात पाने के लिए हमको क्या होना पड़ता है, ठंडा रहना पड़ता है ना, कूल रहना पड़ता है। तो कॉटन क्लॉथ जो होता है इसी में मदद करता है हम लोगों को कूल रखने में। ठीक है, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। और हम लोगों को कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन का एक प्लांट होता है और इसी प्लांट से हमको कॉटन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ समर क्लॉथ एंड राइट देयर नेम्स। अब समर क्लॉथ्स में हम कौन कौन से कपड़े पहनते हैं उनको ड्रॉ करना है। ठीक है ना, जैसे स्कर्ट पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, इस तरह के आपको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करना है। वी वियर उलेन क्लॉथ इन विंटर। उलेन क्लॉथ जो होते हैं, जो ऊन से बने हुए क्लॉथ होते हैं, वो हम विंटर में पहनते हैं, जाड़े के मौसम में पहनते हैं। ठीक है, दीज क्लॉथ कीप अस वार्म। तो जाड़े में क्या होगा, हमको ठंड लगती है ना, तो हमको वो जो क्लॉथ है वो हमको गर्म रखने में मदद करती है, ठंडे से बचाने में हमको मदद करती है। वी गेट ऊल फ्रॉम सम एनिमल्स लाइक शिप,
तो जो ऊन होता है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? जो ऊन होता है, ऊन होता है, वो हमको एनिमल से प्राप्त होता है, लाइक सिप, जैसे सिप, सिप जानते हैं ना, भेड़। ऊन इज यूज फॉर निटिंग स्वेटर, कैप्स, सॉक्स एंड अदर वूलन क्लॉथ। जो ऊन होता है उसको हम निटिंग करते हैं, मतलब बीनते हैं, बुनते हैं। मम्मी लोग स्वेटर बीनती है ना, वही स्वेटर को बीनते हैं, कैप्स बनाते हैं, उसका सॉक्स बनाते हैं एंड अदर वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम बचने के लिए, जाड़ा से बचने के लिए हम वूलन क्लॉथ का यूज करते हैं। पीपुल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेस वियर फर एंड लेदर क्लॉथ। जो पीपुल बहुत ही ठंडे जगह में रहते हैं वो वहां पे फर और लेदर का यूज करते हैं, यूज वाले क्लॉथ पहनते हैं। लेदर हो गया यानी चमड़े के, और फर होते हैं, आप लोग देखे होंगे, एक सॉफ्ट सॉफ्ट होता है फर, जिससे अधिकतर सॉफ्ट टॉयज बनता है, उस तरह के फर होते हैं और उससे बने हुए कपड़े पहनते हैं। When animals die of old age, जो एनिमल्स ओल्ड एज में मर जाते हैं, their skin is used for making fur, और उनके स्किन से, मतलब इसके उनके स्किन को निकाल के उनके फर और एंड लेदर गुड्स और उनके फर लेदर्स का यूज किया जाता है, बनाया जाता है। वी शुड नेवर हर्ट एनिमल्स फॉर देयर स्किन, और हम लोगों को है ना कभी भी एनिमल्स के स्किन को पाने के लिए कभी भी एनिमल्स को हर्ट, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, ये गलत हैबिट्स है, ठीक है ना। जो एनिमल्स मर जाते हैं उनके आप लेदर्स और फर को यूज कीजिए, ठीक है ना, लेकिन उनके स्किन को पाने के लिए, उनके फर को पाने के लिए उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ विंटर क्लॉथ्स एंड राइट देयर नेम्स, यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, और उसके नाम लिखिएगा विंटर के, ठीक है ना, यहाँ पर विंटर का लिखना है, जाड़े के मौसम का, ठीक है। We wear plastic cloth in rainy season, और प्लास्टिक के क्लॉथ हम कब पहनते हैं? रेनी सीजन में पहनते हैं प्लास्टिक के क्लॉथ। देखिए ये सब है ना, प्लास्टिक के क्लॉथ पहन के बाहर निकलते हैं, आप लोग रेनकोट पहनते हैं ना, वो प्लास्टिक के, रबर के बने होते हैं। These cloths are made of plastic और रबर, देखिए मैंने बताया ना वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के या रबर के बने होते हैं, जो भींगने पर भी वो मतलब हमको नहीं भींगाते, ऐसा चीज होता है ना प्लास्टिक। दस पीपुल वियर क्लॉथ एज पर वेदर एंड सीजन, तो हम लोग जो जो पीपुल होते हैं वो क्लॉथ पहनते हैं वेदर और सीजन के अनुसार। अब आपको यहाँ पे रेनी सीजन में जो जो यूज होता है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ प्लास्टिक क्लॉथ एंड राइट देयर नेम्स, यहाँ पे आपको उसका नाम और फिगर बनाना है, ठीक है ना। डू यू नो We also wear silk cloth. We get silk from silkworm. जो हम लोग है ना सिल्क के भी क्लॉथ पहनते हैं, मम्मी लोग के पास सिल्क की साड़ी होगी, देखिएगा वो जो होते हैं वहां पे, यहाँ पर देखिए ये सिल्क वॉर्म नाम का एक कीड़ा होता है जिससे हमको सिल्क मिलता है और उसी से हम सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। क्लॉथ फ्रॉम मैन मेड फैब्रिक आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथ, जो मैन के द्वारा बनाया गया हो उस फैब्रिक को सिंथेटिक क्लॉथ कहते हैं। जो हम लोग मनुष्य के द्वारा बनाया गया फैब्रिक है उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ कहते हैं। समथिंग टू डू, चलिए हम कुछ करते हैं। ए Chooses the correct words from the help box to fill in the blanks. यहाँ पे help box दिया हुआ है, इसमें कुछ words दिए हुए हैं, इन्हीं के अनुसार हमको यहाँ पर fill करना है, ठीक है। पहले हम words जान लेते हैं, क्या क्या है, cotton, uniform, skin, umbrella, wool. First है dash cloths are worn in summer. समर में हम कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं, तो यहाँ होगा कॉटन। सेकंड है वी वियर ए डैश इन द स्कूल, स्कूल पहन के क्या जाते हैं, यूनिफॉर्म ना, तो यहाँ होगा यूनिफॉर्म। थर्ड है
एंड डैश इज यूज इन रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला ना. देखिए हेल्प बॉक्स में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार पढ़ना है, तो यहाँ होगा अम्ब्रेला. फोर्थ है, वी शुड नेवर हर्ट एनिमल्स फॉर देयर डैश. किसके लिए? स्किन के लिए. कभी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. फिफ्थ है, वी गेट डैश फ्रॉम सिप. सिप से हमको क्या मिलता है? हाँ, उल मिलता है. तो यहाँ होगा, फिल हो जाएगा उल. नंबर बी, सी द एग्जाम्पल एंड मेक पेयर ऑफ दीज क्लॉथ. यहाँ पे पेयर लगाना है, ठीक है ना, जिसके साथ जो अटैच होता है, जैसे सलवार कमीज, ठीक है ना. यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा. यहाँ पे दिया है साड़ी. साड़ी के साथ क्या? साड़ी के साथ ब्लाउज. देखिए ब्लाउज है, हाँ है, कहाँ है? नीचे, ठीक है. नेक्स्ट है शर्ट. शर्ट के साथ क्या आएगा? पैंट. शर्ट पैंट होता है ना. नीचे धोती और कुर्ता. धोती और कुर्ता, ठीक है. इस तरह से हम यहाँ पर सबका पेयर लगा देंगे. नेक्स्ट है, डू यू नो, आप जानते हैं क्या? ए वीवर वेव्स क्लॉथ. वीवर जो होता है क्या, किसको कहते हैं? वीवर होता है बुनकर को, जो क्लॉथ्स को बुन के बनाता है, ठीक है ना, वो वीवर हुआ. नेक्स्ट है, अ टेलर स्टिचेस आवर क्लॉथ. और टेलर क्या करता है? हमारे कपड़ों को स्टिच करता है, सिलता है. नेक्स्ट है, अ वॉशरमैन वॉशेस एंड आयरन आवर क्लॉथ. और जो धोबी होता है वो क्या करता है? हमारे कपड़े को धोता है और फिर आयरन करता है, ठीक है ना. अब चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनको जान लेते हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स. सो वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. सेकंड, हाउ डू क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस. आंसर, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड. नंबर थर्ड, What do we wear in summer? We wear cotton cloth in summer. Why do we wear cotton cloths? Answer, because cotton cloths keep us cool. Number fifth, from where do we get cotton? And so we get cotton from cotton plants. Sixth, what do we wear in winter? And so we wear woolen cloth in winter. Seventh, why do we wear woolen cloth in winter? And so because woolen cloth keep us warm. 8th, where do we get wool? Answer, we get wool from sheep. 9th, what do we wear in rainy season? Answer, we wear plastic cloth in rainy season. 10th, what do we use in rainy season? Answer, we use umbrella in rainy season. 11th, what do we wear in the school? Answer, we wear uniform in the school. 12th, where do we get silk? Answer, we get silk from silkworm. 13th, what is synthetic cloth? Answer, synthetic cloth are made from man-made fabric. Number 14, who weaves our cloth? Answer,
a weaver weaves our cloth. Number 15. Who stitch our cloth? Answer, a tailor stitch our clothes. 16. Who washes our cloth? Answer, a washerman washes our clothes. इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 आवर क्लॉथ समाप्त होता है. थैंक यू.